हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रियास लवली किचन। चिप्स तो किसी को पसंद नहीं है, बच्चों से बड़ा तक सभी को बहुत ही चिप्स पसंद आते हैं। आज हम बनाएंगे मैक्सिकन नाचो चिप्स और उसके साथ अवाकाडो डिप। आप इसे इवनिंग टी टाइम के लिए बना सकते हो। अगर घर में कोई पार्टी है तो पार्टी में कुछ अलग सा स्नैक्स बनाना है तब भी आप इसे बना के रख सकते, और इसे बना के आप 2 से 3 हफ्ते तक स्टोर करके भी रख सकते हो। तो चलिए देखते हैं नाचो चिप्स बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। नाचो चिप्स बनाने के लिए हमें चाहिए कॉर्नफ्लावर यानी कि मक्की का आटा। इधर मैंने 1 कप इतना मक्की का आटा लिया है। उसके साथ हमें चाहिए 1/2 कप मैदा। टेस्ट के लिए नमक, इधर मैंने 1.5 चम्मच यानी कि 1.5 टीस्पून इतना नमक लिया है। उसके साथ 1/4 चम्मच हल्दी, हल्दी इसमें जरूर डाल दीजिए, हल्दी से कलर अच्छा आता है। और 1 चम्मच तेल, इधर मैंने ऑलिव ऑयल लिया है, आप इसके अलावा कौन सा भी ऑयल ले सकते हो। और चिप्स फ्राई करने के लिए तेल। तो चलिए चिप्स बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा गूंदेंगे। आटा गूंदने के लिए इधर मैंने एक बड़ा बाउल लिया है, इसमें डालेंगे मक्की का आटा, मैदा, हल्दी, नमक और उसके साथ इसमें डालेंगे तेल। और तेल डालने के बाद इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। आटा में तेल अच्छी तरह से मिक्स होना चाहिए। और आटा गूंदने के लिए हमें चाहिए हल्का गुनगुना पानी, ठंडा पानी से आटा मत गूंदिए। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें एकदम नरम सॉफ्ट आटा गूंदना है। तो आप देख सकते हो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा को मिक्स करते जाइए और इसका एक डो बनाते जाइए। एक बार आटा अच्छी तरह से इकट्ठा होने के बाद इसे अच्छी तरह से मसल मसल के चिकना कीजिए। जितना आप आटा को अच्छी तरह से मसल मसल के चिकना करेंगे उतना आटा अच्छी तरह से बनेगा और आपके चिप्स बहुत ही बेहतरीन बन जाएंगे। तो इस आटा को मैंने 5 मिनट मसल मसल के चिकना किया है। आटा अच्छी तरह से बन के तैयार है। इसे 10 मिनट के लिए साइड में रखेंगे ताकि आटा अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। 10 मिनट हुए हैं, आटा अच्छी तरह से बन के तैयार है। इधर मैंने लिया है चकला, और लोइया बेलने के लिए हमें चाहिए थोड़ा सूखा आटा, तो मैंने थोड़ा मैदा लिया है। इसमें से एक थोड़ी छोटी वाली लोइया निकालेंगे, जैसे कि नींबू की बराबर, ज़्यादा बड़ी भी मत निकाल लीजिए। और इसे गोल करेंगे, सूखे आटे में लपेट लेंगे और बेलन की मदद से एकदम पतला और गोल बेलना है। ध्यान रखें बेलते समय यह आटा चिपक जाता है, तो बीच बीच में थोड़ा सूखा आटा डालते जाइए और इसे हल्के हाथ से बेलते जाइए। तो इसी तरह से ये रोटी बनके तैयार है। बिल्कुल हमें रोटी जैसे ही बेलना है, लेकिन बहुत ही पतला होना चाहिए, जितना हो सके उतना पतला बेल लीजिए। और इस रोटी को हम फोर्क की मदद से प्रिक करेंगे। प्रिक करने की वजह से जब हम चिप्स फ्राई करेंगे तो फूलेंगे नहीं, बहुत क्रिस्पी बनेंगे। चाकू की मदद से इसे ट्रायंगल शेप में कट करना है। तो आप देख सकते हो इसी तरह से इसे कट कीजिए। तो ये चिप्स बेल के तैयार है। इसे एक प्लेट में मैं निकालूंगी, लेकिन ध्यान रखें प्लेट में निकालते समय एक के ऊपर एक मत रखिए, नहीं तो एक आपस में चिपक जाएंगे। आप चाहे तो एक साइड बेल लीजिए और दूसरी साइड फ्राई भी कर सकते हो। मैं 2 लोइया बेल के रखूंगी और उसके बाद हम फ्राई करेंगे। तो दूसरी वाली भी लोइया को मैंने इसी तरह से रोटी की बराबर बेल लिया है। तो आप देख सकते हो इसी तरह से पतला बेलना है। फोर्क की मदद से प्रिक कीजिए और चाकू की मदद से कट कीजिए। ये भी बनके तैयार है। गैस के ऊपर कढ़ाई में मैंने तेल रखा है। तेल को हल्का ही गर्म होने दीजिए। जैसे ही तेल हल्का गर्म हो जाए उसमें डाल दीजिए चिप्स, और चिप्स को अच्छी तरह से ऊपर आने के बाद हल्का सा गोल्डन होने के बाद ही मिक्स कीजिए, नहीं तो ये चिप्स फूल जाएंगे। चिप्स बिल्कुल भी फूलना नहीं चाहिए। चिप्स तलते समय एकदम लो टू मीडियम फ्लेम पे ही चिप्स को तलना है। अगर आपका गैस का बर्नर बड़ा है तो आप गैस की फ्लेम एकदम लो रखिए। अगर गैस का बर्नर छोटा वाला है तो गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रख दीजिए। तो आप देख सकते हो सारे चिप्स तैर के ऊपर आने के बाद ही इसे मैंने दूसरी साइड पलट लिया है। आप इस चिप्स को उलटते पलटते हुए एकदम क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है।
जब आप इसी तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पे चिप्स को फ्राई करोगे तो चिप्स एकदम बेहतरीन क्रिस्पी बनेंगे। अगर आप तेज गैस पे बना फ्राई करोगे तो आपके चिप्स ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनेंगे और ऊपर से थोड़े ज़्यादा ही गोल्डन दिखेंगे। चिप्स तल के तैयार है, इसे साइड में निकालेंगे। एक पेपर टॉवल के ऊपर निकालेंगे। अब सारे चिप्स हम इसी तरह से तलेंगे। जब हम तेल में चिप्स डालते हैं तो इसी तरह से बबल आते हैं। पूरे बबल खत्म होने के बाद ही चिप्स को निकाल लीजिए, तब समझ लीजिए चिप्स अच्छी तरह से क्रिस्पी बन के तैयार है। तो इसी तरह से मैंने सारे चिप्स फ्राई किए हैं। तो लीजिए बहुत ही टेस्टी, करारे, क्रिस्पी, एकदम मैक्सिकन स्टाइल नाचो चिप्स घर पे बन के तैयार है। अब हम इसके साथ बनाएंगे आवाकाडो का डिप। इधर मैंने एक आवाकाडो लिया है। इस आवाकाडो को हम कट करेंगे। आवाकाडो को बराबर बीच में से इसी तरह से कट करना है और उसका पल्प अलग करना है। इसके अंदर जो सीड है आवाकाडो का उसे निकालेंगे और पल्प को स्पून की मदद से बाउल में निकलना है। ये नाचो चिप्स के साथ आप आवाकाडो का डिप बना सकते हो, सालसा बना सकते हो, मायो भी खा सकते हो। इधर मैंने मिक्सर की जार ली है, इसमें डालेंगे 2 लहसुन की कलियां और 1-2 हरी मिर्च और इसे मिक्सर में पीसेंगे। हरी मिर्च और लहसुन की पेस्ट बन के तैयार है। इसमें डालेंगे आवाकाडो का पल्प, थोड़ा नमक डालेंगे, थोड़े ब्लैक पेपर डालेंगे और 1 चम्मच इतना नींबू का रस। अगर आपके बच्चे आपको तीखा खाना पसंद नहीं है तो आप हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं इसी तरह से आवाकाडो का डिप बन के तैयार है। इसे एक बाउल में निकालेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी 1 कटा हुआ टमाटो और थोड़ा कटा हुआ प्याज और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये टमाटो और प्याज ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो लीजिए बहुत ही टेस्टी ये आवाकाडो डिप बन के तैयार है। तो मैं आपको एक चिप्स तोड़ के दिखाती हूँ, तो आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी करारा बन गया है। इसे एक सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे और इस नाचो चिप्स के साथ ये आवाकाडो का डिप खाने के लिए बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स चलो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, आई होप आपको पसंद आएगी। अगर मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ये वीडियो आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर हम मिलते हैं ऐसी ही नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।